जय हिंद। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ भी करंट इस वीडियो पे करंट अफेयर अवेलेबल रहती है 6 बजे, करंट अफेयर भी देख सकें और आपको जितनी भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना हो सारे ग्रामर्स भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सीख सकें। तो गाइस, मेरे चैनल पर नए चैनल को माई सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाए। तो हम बात करने वाले हैं इतने इंपॉर्टेंट ग्रामर के बारे में जो आप बोलने में प्रयोग किया जाता है, आपको हर जगह बोलने में प्रयोग किया जाता है, ऐसे ग्रामर के बारे में चर्चा करने। आप कहीं भी रहें ऐसे सेंटेंस बोलने में हिजिटेशन होती है तो ऐसे ही सेंटेंस आपको सिखाया जा रहा है। बहुत ही सेंटेंस ऐसे है जैसे जान लीजिए कि यह मूवी खूब चलेगी, जैसे कहते हैं ना गदर मूवी खूब चलेगी, या स्कूल खूब चलेगा, या जूता खूब चलेगा, या कोचिंग खूब चलेगी, या टॉर्च खूब चलेगा, या पेन खूब चलेगा, या मोबाइल खूब चलेगा, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना सीखना है आपको गाइस। तो इस वीडियो में इसी के माध्यम से हम आप वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि यह मोबाइल खूब चलेगा, यह वीडियो खूब चलेगा, तो इसी ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, इसकी बात करते हैं। लास्ट लॉन्ग इसकी हिंदी होती है खूब चलेगा, लास्ट लॉन्ग होता है इसकी हिंदी होती है खूब चलेगा। लास्ट लॉन्ग के बारे में बात करते हैं, इसके नियम के बारे में बात करें गाइस, इसके नियम के बारे में बात करते हैं। तो दिस रहेगा प्लस नाउन रहेगा प्लस विल रहेगा फिर लास्ट लॉन्ग रहेगा। बात कर समझ लीजिए, दिस प्लस नाउन, नाउन मीन्स होता है एक वचन, नाउन मीन्स होता है जैसे मोबाइल घड़ी एक आदमी, विल रहेगा उसके बाद फिर लास्ट लॉन्ग रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट लॉन्ग रहेगा प्लस नाउन, नाउन मीन्स किसी भी नाउन जैसे मोबाइल टीवी पंखा घड़ी स्कूल आदि से ऑब्जेक्ट भी रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जैसे यह मूवी खूब चलेगी गाइस, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यह मूवी खूब चलेगी। तो इसको ट्रांसलेशन में कमेंट करके जरूर बताएं कि यह मूवी खूब चलेगी तो क्या होगा, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, यह मूवी खूब चलेगी क्या हो जाएगा, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग हो जाएगा, यह गाना खूब चलेगा गाइस। तो दो ही शब्दों में बना है, तो दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग, यह गाना खूब चलेगा तो दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग हो जाएगा, यह स्कूल खूब चलेगा तो दिस स्कूल विल लास्ट लॉन्ग हो जाएगा, दिस स्कूल विल लास्ट लॉन्ग हो जाएगा। जैसे यह जूता खूब चलेगा गाइस, तो यह जूता खूब चलेगा तो हो जाएगा दिस शूज विल लास्ट लॉन्ग। अगर जैसे कहते हैं यह मोबाइल इंटरनेट में खूब चलेगा तो क्या हो जाएगा, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग ऑन द इंटरनेट, ऐसे जानते रहिए। फिर से एक बार, यह मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग, यह स्कूल खूब चलेगा, दिस स्कूल विल लास्ट लॉन्ग, यह जूता खूब चलेगा, दिस शूज विल लास्ट लॉन्ग। तो ये जानते रहे, इसका ट्रांसलेशन नियम इसका होगा, पहले दिस नाउन विल प्लस लास्ट लॉन्ग हो जाएगा, दिस नाउन विल प्लस लॉन्ग लास्ट लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे ही इस ट्रांसलेशन करना है। यह घड़ी खूब चलेगी, दिस वॉच विल लास्ट लॉन्ग, यह मोबाइल खूब चलेगा, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, यह पेन खूब चलेगी, दिस पेन विल लास्ट लॉन्ग, यह पंखा खूब चलेगा, दिस फैन विल लास्ट लॉन्ग, यह मोबाइल खूब चलेगा, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, यह घर खूब चलेगा, दिस होम विल लास्ट लॉन्ग। अगर एक सेंटेंस इसमें बन जाता है, यह घर रोड पर खूब चलेगा गाइस, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ जा रहा है, तो ऐसे हो जाएगा दिस रोड विल लास्ट लॉन्ग ऑन द रोड, रोड पर खूब चलेगा, एट द रोड या ऑन द रोड लगा देते हैं। अगर अगले क्वेश्चन है, एट द रोड होगा गाइस, एट द रोड होगा या ऑन द रोड होगा। अगला क्वेश्चन है, यह बाइक खूब चलेगी, दिस बाइक विल लास्ट लॉन्ग। अगर आपको भी ऐसे ट्रांसलेशन अगर नहीं समझ में आया वीडियो तो मुझे कमेंट जरूर करें, एक ट्रांसलेशन दे रहे हैं उसको कमेंट में जरूर करके बताइए इसे जरूर। यह किताब खूब चलेगी, तो इसे कमेंट करके बताना है। मिलते हैं वीडियो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले इंटरेस्टेड ग्रामर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।